कि सेक्स परफॉर्म करते करते अगर आपका पार्ट टूट जाता है तो आप क्या बताएंगे फैमिली को कि भाई हमारा टूट गया और उसको लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलत तरीके से अगर आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका पार्ट टूट सकता है, इस बारे में। क्योंकि आपने कभी ये चीज़ नहीं सुनी होगी लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाते हैं हमारी लाइफ में जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसके बारे में हम खुलकर भी बात नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या होता है। मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया कि सेक्स हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है जिसे हम रोज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारी डेली लाइफ के लिए सेक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर होता ये है कि अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे और गलत चीज़ों का आप चुनाव करेंगे, गलत तरीकों का आप चुनाव करेंगे, तो आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल टूट सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, ना किसी से छुपा सकते हैं, है ना। और इस केस में आप सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ना आप किसी को बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके साथ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कि आपको कैसे परफॉर्म करना है जिससे कि आप सुरक्षित हो, आपका जो पार्ट है वो भी सुरक्षित हो। देखिए क्या होता है, सेक्स को जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो सब लोगों की अलग अलग टाइप से परफॉर्म करने का होता है। सब लोगों का एक अलग अलग कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो करना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि सेक्स को करते समय अलग अलग पोजीशन का यूज करते हैं, अलग अलग पोजीशन से वो ट्राई करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि उनकी जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग उनको बहुत कम मिल पाती है। जब हम एक ही नाइट में हम अलग अलग तरीके से सेक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन में हम सेक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में हम काफ़ी सारी पोजीशन ट्राई कर लें। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी हम पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। जब हम सेक्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अचानक से फिर हमें लगता है कि नहीं, हम दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसी केस में क्या होता है कि जब आप पोजीशन चेंज करते हैं ना अंदर ही अंदर, मतलब आप बाहर भी नहीं निकालते हैं और अंदर ही अंदर आप पोजीशन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर होता ये कि जब आप किसी भी पोजीशन में कर रहे हो और अचानक से आपने पोजीशन चेंज करी तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्ट है उसके क्रैक होने का, टूटने का चांस बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, कई लोगों के साथ ये हुआ है कि सेक्स को परफॉर्म करते करते उनका जो पार्ट है वो टूट गया है, ठीक है, टूट जाता है ये। तो अब इसमें होगा क्या, जब ये टूट जाएगा तो इसका इरेक्शन अचानक से डाउन हो जाएगा और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ही इसका इरेक्शन आएगा ही नहीं, मतलब इसको डॉक्टर के अलावा कोई भी सही नहीं कर सकता है। जब आपका पार्ट टूट जाता है तो सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो इसको सही कर सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि सेक्स परफॉर्म करते करते अगर आपका पार्ट टूट जाता है तो आप क्या बताएंगे फैमिली को कि भाई हमारा टूट गया और उसको लेकर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं और आपको अलग अलग पोजीशन में सेक्स पोजीशन ट्राई करनी है तो आप यहाँ पर बहुत सावधानी का ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए कि उस समय आप थोड़ा सा समय लें, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सारा एक साथ ही मतलब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम आपको लेना है, धीरे धीरे आपको पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। इतना भी नहीं कि आप तो मतलब फटाफट से सेक्स को ख़त्म ही करना चाहते हैं, इतना जल्दी भी नहीं करना है आपको। धीरे धीरे टाइम लेकर आप सेक्स पोजीशन चेंज करिए, ठीक है। टाइमिंग के साथ अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करिए आप निकालें उसके बाद पोजीशन चेंज करें, देन आप वापस इंसल्ट करें, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं ताकि आप सेफ रहेंगे और आपका पार्ट भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप टूटने से बचना चाहते हैं तो फिर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना भाई आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका होने वाला है। वहाँ जाने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, सर्जरीज वगैरह करानी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो भाई जो लोग अलग अलग टाइप से करना पसंद करते हैं ना, उनके लिए वीडियो थी, तो ध्यान से करिएगा ताकि आपके पार्ट सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहो और आपका पार्टनर भी एंजॉय करता रहे। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।